रहा है? अगर यहाँ बैठोगे तो दुगना मजा आने वाला है, दुगना नहीं 10 गुना से भी ज्यादा मजा आने वाला है। पहनी है ये माला, नाम शिफाली है, फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ और बाय प्रोफेशन एक टीचर रह चुकी हूँ। मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट किया था आज से 3 साल पहले और बहुत ही अटपटे तरीके से इसकी शुरुआत मेरे जीवन में हुई थी। मेरे घर पे एक लेडी आई थी जिन्होंने मेरी सास को बोला था कि तुम्हारी बहू स्कूल जाती है, बच्चा छोटा है, इससे अच्छा तो मोदी केयर कर ले। मम्मी ने मना कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद, क्योंकि वो 12 पे रहते हैं और जब डबुआ कॉलोनी में पानी नहीं आता तो लोग 12 पे पानी लेने जाते हैं, मम्मी फिर पानी लेने गई और वहाँ पे उन्हें बताया गया कि 3 साल बाद कंपनी घर में गाड़ी देने आती है। बस जैसे ही गाड़ी का नाम आया मेरी सास के तो कान खड़े हो गए, क्योंकि हमारे घर में गाड़ी नहीं थी। उन्होंने मुझे बताया और जैसे ही उन्होंने मुझे बताया मैंने बड़ा मजाक बनाया कि ऐसी कोई कंपनी है, 25 सालों से किसी दुकान से सामान लेके आ रही हो, बुढ़ापा आ गया, बच्चे बड़े हो गए, अब हम भी लेके आने लगे, आज तक आया है जो ये कंपनी 3 सालों में दे देगी। फिर भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी क्योंकि वो मेरी सास थी। उन्होंने बात की और कहा कि सोना मत, आज दोपहर में कोई लोग आ रहे हैं और आके मीटिंग देंगे। मैंने कुछ गली की लड़कियों को भी, लेडीज़ों को भी बुला लिया है, वो भी सुन लेंगी, इसी बहाने तू भी सुन लियो, समझ आए तो कर लियो, नहीं तो सिर्फ आईडी लगा दियो, सामान तो फिर भी मैंने ही लेना है, घर का राशन तो फिर भी मैं ही लेके आती हूँ। मीटिंग कंडक्ट हुई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, बस ये समझ आया कि नीला पानी सफ़ेद हो गया और ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ से पैसा आएगा। लेकिन क्योंकि सास की बात तो तोड़ नहीं सकती थी, आधार कार्ड और पैन कार्ड निकाल के दे दिया, लोग नहीं देते पैन कार्ड, हाय मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए तो। लेकिन मैंने साथ के साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड निकाल के दे दिया और मोदी केयर में मेरी ज्वाइनिंग हो गई। सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि मोदी केयर में ज्वाइनिंग हो गई और ज्वाइनिंग होने के बाद किसी एक अटपटे से ग्रुप में मुझे ऐड कर दिया गया और उस ग्रुप में सुबह उठते ही मैसेज पे मैसेज, शाम तक 12 बजे तक रात को मैसेज आते रहते थे। हम इरिटेट हो जाते हैं ना जब किसी ग्रुप में ऐड करते हैं, लेकिन मुझे जब उस ग्रुप में ऐड किया गया तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, ना गुड मोदी केयर मॉर्निंग दिखाई दिया, ना गुड मोदी केयर नाइट दिखाई दिया, ना डायरेक्टर दिखाई गया, ना सीनियर डायरेक्टर दिखाई दिया। दिखाई दी तो सिर्फ एक चीज़ कि वहाँ पे ना लोग पटाया की ट्रिप क्वालिफाई कर रहे थे और नीचे लिखा हुआ आता था कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अचीविंग पटाया ट्रिप, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अचीविंग गोवा ट्रिप। ये देख के मुझे एक चीज़ समझ आई कि अगर मैं एक बहुत क्वालिफाइड पर्सन हूँ, मैंने 12th दिल्ली से पास आउट की है, बीकॉम किया, बीएड की, एमएड परसुइंग में हूँ, सीटेट एस्टेट के फॉर्म किए, रावल इंटरनेशनल जैसे स्कूल में पढ़ाने के लिए इंटरव्यूज़ दिए, वहाँ पे क्लियर भी हुआ और 2 साल वहाँ पढ़ाया भी, और उसके बावजूद भी मैं स्कूल से आके घर में रोटियाँ बनाती हूँ, रात का काम ख़त्म करती हूँ, फिर स्कूल की कॉपियाँ और डायरी लेके बैठती हूँ, सोती हूँ, फिर सुबह स्कूल के लिए भागती हूँ और ये लोग सिर्फ राशन की दुकान बदल के पटाया घूमने जा रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात मुझे समझ आई थी और मैंने सोचा था कि मैं भी मोदी केयर की मीटिंग देखूंगी। अपलाइन को बुलाया, बैक टू बैक 2 दिन 3 दिन 4 दिन घर, नहीं समझ आ रहा पैसा कैसे आता है, बेचारे अपलाइन 4 दिन घर पे भी आए, 5वें दिन कहते हैं आप ऑफिस आ जाओ मैडम, उससे पहले कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। और 10 अप्रैल 2019 में मैं पहली मोदी केयर की मीटिंग अटेंड करने गई थी, जहां पे पिंकी अंसारी मैम मीटिंग दे रही थी और उन्होंने बोला था छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहते हैं मुझे। मुझे उनकी कोई बात समझ नहीं आई, बस इतना समझ आया कि पीछे की रो में जो लेडीज़ बैठी है, जिनकी एडियां फटी हुई हैं, जिनकी साड़ी के फोल पे गोबर लगा हुआ है, अगर उनको इस लेडी की बात समझ आ सकती है और वो 15-16 हज़ार रुपये महीने का कमा सकते हैं, तो मैं 8 घंटे स्कूल की जॉब करके क्यों 15-16 हज़ार 18 हज़ार रुपये महीने का कमाऊँ। मैंने भी मोदी केयर ही करना है और दिल से करना है और यहाँ से पैसा कमाना है। तो उस दिन के लिए और उस मीटिंग के लिए एक बार आपसे चाहूंगी जोरदार तालियां जरूर बजाएं। मोदी केयर करना शुरू किया और
आपको बताना चाहूंगी, पहले महीने में जितने भी लीड्स खराब कर सकती थी मैंने सारी लीड्स खराब कर दी। सबको फोन करके बता दिया, आधार कार्ड दे दो, राशन का सामान ले लो, पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा। उसी मंथ के अंदर 40 से 50 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम हुए थे। अपलाइन कहते हैं तुम्हारा तो डायरेक्टर बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगले महीने क्योंकि मैं लीड्स खराब कर चुकी थी, मैंने किसी को भी ढंग से नहीं बताया था, तो मेरी सारी की सारी लीड्स खराब हो चुकी थी। उसके बाद थैंक यू करती हूँ भगवान का, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में कपिल सर और ममता मैम दोनों को भेजा। इनसे बात हुई, इनके सपोर्ट एंड गाइडेंस से सीखा कि इस बिज़नेस में 50 हज़ार, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख कैसे आता है। और जब वो पेपर पे समझा रहे थे ना, क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत पसंद है तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा था, और मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, ना कैलकुलेशन, ना पॉइंट्स, ना कुछ, बस जो एंड में दिखाया ना 1,67,000 रुपये महीने का आ जाएगा, मेरे को सिर्फ वही समझ आया, और इसीलिए मैंने बिजनेस को करना शुरू कर दिया। कल रात भी एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी मुझे सब कुछ समझ आ रहा था, नहीं तो सर बोलेंगे मैंने इतनी अच्छी मीटिंग दी समझ नहीं आया। लेकिन सच बताऊं तो जब उन्होंने बाद में बताया था ना 15 लाख रुपए महीने का आएगा, मेरे को सिर्फ वही समझ आया था, उसके अलावा कुछ समझ नहीं आया था। पिछले 26 महीने से मोदी केयर से विदेश जाने के लिए पैसा मैं एंजॉय कर रही हूँ। पिछले 18 महीने से गाड़ी के लिए पैसा एंजॉय कर रही थी, क्योंकि गाड़ी के सपने से ही इस बिज़नेस को मैंने शुरू किया था। और 6 दिसंबर 2021 को अपने हस्बैंड को विटारा ब्रेजा 10 लाख की गाड़ी गिफ्ट कर चुकी हूँ। मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये गाड़ी, क्योंकि मेरे पति को दहेज में भी नहीं मिली थी, लेकिन उनकी वाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि उन्होंने, मैंने 3 साल से पहले यानी 2.5 साल के अंदर अंदर मोदी केयर से वो गाड़ी अचीव करके उनको दे दी, यानी कि मेरे घर में गाड़ी आ चुकी है, जिसकी वजह से मेरे सारे रिश्तेदारों को ये हो गया है कि हाय इनके घर में गाड़ी आ गई, वो भी मोदी केयर से। सपने बहुत बड़े हैं, और मुझे पता है कपिल सर और ममता मैम की गाइडेंस से हमेशा सारे सपने टाइम टू टाइम पूरे होते चले जाएंगे। 2022 एंड तक मुझे 2.5 करोड़ का घर मोदी केयर से ऑन करना है, 2025 तक 25 लाख महीने का यानी साल का 3-4 खोखा कमाना है, और 2025 तक 100 लेडीज़ मेरी टीम में 1-1 लाख रुपये महीने से ज़्यादा कमाएंगी, और 100 लेडीज़ मोदी केयर से अपनी 10-10, 15-15 लाख की गाड़ी अचीव कर चुकी होंगी। ये सपना है मेरा मोदी केयर से आने वाले 3 साल। जाने से पहले आपको एक छोटा सा मैसेज जरूर देना चाहूंगी, अगर आपको लगता है 2 घंटे, 3 घंटे या 5 घंटे बिना एसी के बैठना स्ट्रगल है, तो भूल जाइए, इस बिजनेस में आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा तो किचन में रोटियां बनाने और बर्तन मांजने और कपड़े धोने में समय हम व्यतीत कर देते हैं, जितना आप ये सोचते हैं कि इतनी देर हम गर्मी में बैठ गए। लोग 6-6 घंटे, 8-8 घंटे जॉब करते हैं, और घर में सैलरी आती है 30,000, 40,000, 50,000, और घर का गुजारा नहीं होता, क्योंकि आप तो कंफर्ट जोन में बैठे हो, आपको 4 दीवारी के अंदर काम करना है। उस व्यक्ति से पूछो जो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे एक ही शर्ट पैंट के अंदर पूरा दिन काम करता है मशीन की तरह, और उसका पूरा शरीर पसीने में तर रहता है, और उसे ठंडी हवा और गर्म हवा का भी डिफरेंस पता नहीं चलता। अगर आपको लगता है कि यही स्ट्रगल है, धूप में जाना, 6 घंटे काम करना, सुबह जल्दी उठना, रात को लेट सोना, तो भूल जाइए कि ये स्ट्रगल है, ये कोई स्ट्रगल नहीं है। इससे ज़्यादा स्ट्रगल तो हमारे देश के फौजी, गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंजॉय कर रहे हैं इससे ज़्यादा स्ट्रगल को। 12-12 घंटे, 24-24 घंटे मोटी मोटी वर्दियाँ पहन के वो जब जॉब करते हैं, काम करते हैं अपने देश के लिए और अपने घर को चलाने के लिए, उनकी पूरी बॉडी पर रैशेज होते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल है। और अगर इस स्ट्रगल को आप समय रहते नहीं समझेंगे जो जॉब में आपको मिलता है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी मजबूरी हो जाएगी ज़िंदगी के 40 साल सिर्फ उस छोटे से अमाउंट के लिए काम करते रहना, जिससे कभी भी आपकी ज़िंदगी का खर्चा पूरा नहीं होने वाला। तो मैं तो 2025 तक 25 लाख महीने का यानी साल का 3-4 खोखा कमाने वाली हूँ। अगर आप कमाना चाहते हैं या आप अपनी फैमिली के लोगों को कमवाना चाहते हैं, तो दिल से आज ही अपनी लिस्ट बना के मोदी केयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके सपने बड़े नहीं होंगे। तो मोदी केयर का स्ट्रगल आपके लिए हमेशा छोटा ही रहेगा, आपका कम्फर्ट जोन ही बना रहेगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।